कालू जी आ गई, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है। मैं बैलगाड़ी से जामुन की टोकरी गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठी करना। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पीछे से चिपकर रानू की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और जामुन की टोकरियां नीचे फेंकने लगता है और गोरी कौवी उन्हें इकट्ठी करती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी रानू की 3 जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं और रानू को तो पता ही नहीं चलता। वो बाकी की टोकरियां लेकर मंडी आ जाती है। तोते चाचा, मुझे 10 जामुन की टोकरियां बेचनी है, कितने की लोगे आप? देखो रानू, मैं तुम्हें 10 जामुन की टोकरियों के 500 दे दूंगा। फिर रानू अपनी जामुन की टोकरियां तोते चाचा को बेच देती है और कहती है, तो पे ठीक है तोते चाचा, आप मेरी टोकरियां गिन लो, पूरी 10 जामुन की टोकरियां हैं, मेरे बेटे ने अच्छे से गिनी थी। चिड़िया, मुझे आप पर विश्वास है, अगर आपने गिनी है टोकरियां तो पूरी होंगी। फिर रानू चिड़िया पैसे लेकर और अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ वापस आती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब जब भी चिड़िया मंडी जाती तो कालू कौवा पीछे से उसकी जामुन की टोकरियां चुराता। ऐसे ही वो दोनों रोजाना उसकी 2-4 जामुन की टोकरियां चुरा लेते थे, जिसका ना तो रानू को पता चलता और ना ही मंडी में तोते चाचा को। वैसे कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गोरी, और अभी तक उस बुद्धू रानू चिड़िया को तो पता ही नहीं चला कि हम दोनों रोजाना उसकी बैलगाड़ी से उसकी जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं। फिर ऐसे वो दोनों जामुन खाकर हंसने लगते हैं। परसों भी मुझे चिड़िया के जामुन बेचकर अच्छा मुनाफा नहीं हुआ और कल भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया की जामुन की टोकरियां गिनूंगा, हो सकता है कि वो मुझे जामुन की टोकरियां कम देकर जाती हो। रानू चिड़िया आज फिर मंडी में जामुन की टोकरियां ला रही थी। कुकु बेटा, आज तुमने कितनी जामुन की टोकरियां रखी हैं बैलगाड़ी में? मम्मा मम्मा, 15, आज 15 जामुन की टोकरियां हैं बैलगाड़ी में। फिर कव्वे भी पीछे से 3 जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं और रानू मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, आज कितनी जामुन की टोकरियां हैं? तोते अंकल, आज मैंने पूरी 15 टोकरियां गिनकर रखी हैं बैलगाड़ी में। ठीक है, तो फिर आज मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हारी टोकरियां गिनूंगा। हाँ गिने गिने तोते चाचा, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। फिर तोता वो जामुन की टोकरी गिनता है तो वो जामुन की टोकरी तो 12 थी, उसमें 3 जामुन की टोकरियां कम थी। चिड़िया, ये तो 12 जामुन की टोकरियां हैं और तुम तो 15 बता रही थी। क्या तुम हर रोज मुझे ऐसे चूना लगाकर चली जाती हो? चिड़िया ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है, तब वो अपने बेटे से कहती है, कुकु बेटा ये आपकी गलती है, आपने जामुन की टोकरियां अच्छे से गिनी नहीं होंगी। मगर मम्मा, मैंने जामुन की टोकरियां 2 बार गिनी थी। फिर चिड़िया और कुकु अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ वापस आते हैं। तब रास्ते में कुकु तो अपनी जामुनों की टोकरी के बारे में सोचे जा रहा था, मम्मा हो ना हो किसी ने अपनी ये टोकरियां चुराई हैं, क्योंकि मैंने 2 बार गिनी थी। नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि जरूर आपको गलती हुई है गिनने में। नहीं मम्मा, मैं कल जानकर रहूंगा कि मेरी टोकरियां कम कैसे हुई, 15 से 12 कैसे हो गईं। फिर अगले दिन कुकू और रानू अपनी जामुन की टोकरियां अपनी बैलगाड़ी में रख लेती हैं। तब कुकू कहता है, मम्मा 20 जामुन की टोकरियां हैं, आप खुद गिन लो और आप इन्हें लेकर जाओ, आज मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। ठीक है कुकू बेटा, मैं चलती हूँ, मगर तुम ध्यान से आना, ठीक है? फिर रानू चिड़िया बैलगाड़ी लेकर चली जाती है और कुकू उसके पीछे पीछे आता है।
और कौवा और कौवी तो पहले से हर रोज की तरह उसी पेड़ के पास छिपे बैठे थे। जैसे ही चिड़िया बैलगाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचती है तो कालू कौवा उसकी बैलगाड़ी पर आकर बैठता है और टोकरी नीचे फेंकने लगता है, जिसे कुकू पीछे से ऐसा करते हुए देख लेता है। रुको मम्मा रुको, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए। फिर मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर उन दोनों के पास आ जाती है। चिड़िया चिड़िया मैं नहीं, मैंने ये कालू है कालू। नहीं नहीं चिड़िया, वो आज हम दोनों का जामुन जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अच्छा ये तुम दोनों हो जिन्होंने मुझे तोते चाचा के सामने शर्मिंदा किया। मम्मा मम्मा मैना कहता था कि कोई चोर है जो हमारे जामुन की टोकरी चोरी कर रहा है। चिड़िया चिड़िया प्लीज हमें माफ कर दो, बस हमने आपकी ये तीन टोकरियां ही तो चुराई हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से कर दूंगी। राजा जी का नाम सुनते वो दोनों तो डर जाते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एक घने जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानू चिड़िया का पति आकाश चिड़ा रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर अपनी दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानू को चलता है तो वो बहुत रोती है। कुकू के पापा आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने अपनी दूसरी शादी कर ली? अपने इन सुंदर से बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या? क्या होगा हमारा आपके बिना? रानू ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी। जब इस बात का पता रानू की माँ को चलता है तो वो अपनी बेटी के पास आती है और उससे कहती है, रानू बेटी तू बिना पति के कैसे अपने दोनों बच्चों का गुजारा करेगी और कैसे इनकी देखभाल करेगी? तू मेरे साथ चल, मैं तेरा और तेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगी। माँ मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? बेटा शायद तेरे भाग्य में यही लिखा था और भाग्य का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है। तू रो मत बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। नानी हमारे पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं मेरी गुड़िया ऐसी कोई बात नहीं, तेरे पापा एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। फिर उसके बाद रानू अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब रानू अपने पति के बिछड़ने के गम को भूलने लगी थी, तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आपने तो मुझसे मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखने का वादा किया था ना, अब आप भी हमें छोड़कर दूर क्यों जा रही हो माँ? हे भगवान मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? किसी तरह रानू चिड़िया अपने आप को संभालती है। एक दिन जब वो अपने दोनों बच्चों को जंगल में घुमा रही थी तभी उसकी बेटी की नज़र बाजार में बिक रहे सेबों पर पड़ती है। मम्मा मम्मा वो देखो कालू अंकल सेब बेच रहे हैं, कितने लाल लाल और मीठे मीठे सेब हैं। मम्मा मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा, हम घर जाकर खाएंगे। कुकु भैया आपका भी सेब खाने का मन कर रहा है ना? हाँ मेरा भी सेब खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को सेब दिलवा देती हूँ। सेब खरीदने के लिए रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे ओ कालू भैया ये सेब कैसे दे रही हो? बहन पूरे 200 रुपए किलो है ये सेब, और ये सेब ना मथुरा के जंगल के हैं।
हे राम, कालू भैया सब तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन सेबों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि ये मथुरा के जंगल के सेब हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे सेब तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 10 रुपए और मुझे एक सेब दे दो। फिर कालू उसे एक सेब देता है और रानू उस सेब को लेकर अपने घर आती है और उसके दोनों बच्चे उस सेब को बड़े चाव से खाते हैं। मम्मा, हम इस सेब के बीज को फेंकेंगे नहीं, हमारे घर के पास में जो खाली जगह है उसी में बो देंगे और फिर जब सेब लगेंगे तो हम उन सेबों को पेट भर कर खाएंगे भी और बाजार में बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे बा बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और सेब बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे। ये तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस बीज को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस बीज को बो देते हैं। महीनों बाद वहाँ एक सेब का पेड़ उगाता है और उस पर बड़े बड़े रसीले सेब लगाते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना सेब का पेड़ तो सेबों से भर गया है। चलो अब हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर रानू के बच्चे सेब तोड़ते हैं और सेब तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लाते हैं। सेब ले लो सेब, सस्ते और मीठे रसीले लाल लाल सेब ले लो सेब, आओ आओ सेब ले लो। ये सब बेटा वही कौआ देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे ये तुम इतनी अच्छी किस्म के सेब इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हो बच्चों? कालू भैया, ये वही सेब है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इन सेबों के बीज को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर सेब लगने पर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने सेबों को कहीं और दूसरी जगह बेचने ले जाता है और रानू चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानू चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर अगली रात को कालू कौवा रानू चिड़िया के खेत में जाता है, लेकिन वह रानू चिड़िया को अपने खेत की रखवाली करता देख वो उल्टे पैर ही वहाँ से लौट जाता है और अपने खेत में आता है। जब वो अपने खेत में आता है तो उसके तो पैरे तलो जमीनी खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मैं किसी और का बुरा करने जा रहा था और आपने मेरा ही बुरा कर दिया। दरअसल कालू कौवा जो जहरीली दवा रानू चिड़िया के खेत में डालने लाया था वो उसकी पत्नी गोरी कौबी ने गलती से कीटनाशक समझकर उसे अपने खेत में डाल दिया, जिस वजह से उसके सारे सेब के पेड़ सूख गए। और फिर कालू कौवा अपने किए पर भगवान से माफी मांगता है और अगले दिन से रानू चिड़िया से सेब खरीद कर उन्हें बाजार में बेचने लगा, जिससे रानू चिड़िया को दुगने पैसे मिलने लगे। ऐसे में एक दिन रानू चिड़िया सेब तोड़ने अपने खेत में आती है और वो सेब तोड़कर वहाँ से ले जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक व्यापारी आ जाता है। तुम्हारे सेब तो बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और ये काफी मीठे और लाल लाल भी हैं। मैं तुम्हें इनकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अगर आप ये अपने सारे सेब मुझे बेचना चाहती हो तो बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। फिर उसके बाद रानू चिड़िया वो सेब बेच देती है। सेब बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने घर का खर्चा चलाती है और अपने बच्चों का गुजारा करती है। ऐसे में एक दिन जब उसके दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे कि तभी अचानक से गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा जल्दी से बाहर आओ, देखो पापा आ गए, मम्मा जल्दी आओ। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है हमें आपकी बहुत याद आती थी, कहाँ चले गए थे आप?
रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों की आवाज सुनकर बाहर आती है और अपने पति को देखकर रोने लगती है। तू क्यों रोती है पगली? अब मैं वापस आ गया हूँ और कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो अपनी दूसरी शादी की थी उससे मुझे दो बच्चे हुए थे, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया तो मुझसे कोई काम नहीं होता था, जिस वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं वापस आया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहां पच्चियों से पता चला कि तुम अपनी माँ के घर आकर रहने लगी हो, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके वापस लौटने की आस छोड़ ही चुकी थी, लेकिन मैं भगवान से रोजाना यही प्रार्थना करती थी कि वो आपको जल्द से जल्द घर वापस भेज दें। देखो, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको घर वापस भेज दिया। रानू बहुत खुश थी क्योंकि उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस चुकी थी। फिर उसके बाद रानू चिड़िया का पति आकाश चिड़ा भी अपनी पत्नी के साथ उसके सेब बिचवाता है। इस तरह वो सभी सेब बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज। चिड़िया, तू जल्दी से दरवाजा खोल दे, क्योंकि अगर मैंने दरवाजा तोड़ दिया तो मैं अंदर आकर तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। देख चील, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू हमारे घर और दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि ये एक पक्के नारियल से बना हुआ है। इसीलिए तेरी इसी में भलाई है कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा। सुंदर से एक जंगल में आकाशड़ा अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। आकाशड़ा की बड़ी बेटी का नाम रानू और छोटे बेटे का नाम कुकू था। वो दोनों पति पत्नी जंगल में आम बेचा करते थे। एक दिन जब वो दोनों आम बेच रहे थे, तभी अचानक से आसमान पर काले काले बादल गिर आए और तेज बारिश होने लगी। सुनो जी, अब हमें घर चलना चाहिए। देखो, बारिश भी तेज हो गई है। घर पर अपने दोनों बच्चे अकेले हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि वो दोनों बादल के गड़गड़ाने से कितना डरते हैं। ये कहकर वो दोनों अपनी आमों की टोकरी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक बिजली गिरती है, जिस वजह से वो दोनों वहीं गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ से एक तोता गुजरता है, जो कि ये सब देखकर कहता है, ये तो रानू के मम्मी पापा हैं, लेकिन इन्हें क्या हो गया? इनकी मौत कैसे हो गई? मुझे जाकर उन दोनों को बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे डरे सहमे अपने घर में बैठे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। दीदी, पहले जब भी तेज बारिश होती थी तो माँ पिताजी जल्दी घर आ जाते थे, लेकिन आज वो दोनों क्यों नहीं आए? देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुकू ऐसे कह ही रहा था कि तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो कहता है, रानू तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर बिजली गिर गई और उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सका। मैं भी किसी तरह बचते बचाते तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं काका? कह दो कि ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। हमारे मम्मी पापा हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तब कुकू कहता है, दीदी चलो ना, हम चलते हैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने। कुकू, हम इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जा सकते। तोते काका सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर इस तरह से वो दोनों बहन भाई पूरी रात रोते रहते हैं। अगले दिन कालू कौवा उनके घर आता है। अरे ओ आकाश के बच्चे, चल जल्दी से मेरा किराया दे, नहीं तो अभी की अभी मेरा घर खाली कर दे, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, तूने मेरा किराया नहीं दिया है। हमारे मम्मी पापा मर गए काका, कल रात उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब मेरा किराया ना देने के बहाने हैं, कहीं छिपा बैठा होगा और मरने की खबर फैला दी है। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए अभी की अभी तुम मेरा घर खाली करके यहाँ से जाओ। लेकिन कालू कौवा उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों मासूम छोटे बहन भाइयों को घर से निकाल देता है।
दीदी अब हम कहाँ जाएंगे, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, हमारा घर भी चला गया। दीदी अब हम कहाँ रहेंगे? कुकु तुम चिंता मत करो, हमें कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी, चलो हम आगे जाकर देखते हैं। रानू चिड़िया अपने छोटे भाई को बारिश में लेकर इधर उधर घूम रही थी, तभी उसकी नजर बड़े बड़े नारियल के पेड़ों पर पड़ती है, तभी वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। दीदी कितनी तेज बारिश हो रही है, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे, हमें तो कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। कुकू तुम चिंता मत करो, जब तक बारिश नहीं रुकती है हम इन्हीं नारियल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब हम कुछ सोचेंगे। ये कहकर वो दोनों अनाथ भाई बहन तेज बारिश में नारियल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है, तभी उस नारियल के पेड़ से बारिश की वजह से कुछ नारियल नीचे गिर गए थे, तभी कुकू कहता है, दीदी दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे कहीं से पानी पिलाओ ना। कुकू प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं तुझे कहाँ से पानी पिलाऊं, यहाँ मुझे कहीं भी नदी नजर नहीं आ रही है। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तभी रानू की नजर वहाँ पड़े एक नारियल पर पड़ती है और वो कहती है, कुकू रुक अभी हम दोनों पानी पीते हैं, ये नारियल है ना इसके अंदर पानी होता है, हम उसे ही पी लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों भाई बहन उस नारियल में से पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद कुकू कहता है, दीदी दीदी क्यों ना हम इस नारियल से अपने लिए एक नारियल का घर बना लें, हम उसमें आराम से रह सकेंगे और हमें बारिश के मौसम में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कुकू तू एकदम ठीक कहता है, ये बात पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, और वैसे भी बारिश के मौसम में हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और तो और हम उसमें सुरक्षित भी रह सकेंगे। दीदी वो सब तो ठीक है, हम घर तो बना लेंगे, लेकिन हम यहाँ खाएंगे पिएंगे क्या? कुकू तुम भोजन की चिंता मत करो, पहले घर के बारे में सोचो, पहले हमें एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाना होगा, फिर बाद में हम भोजन की खोज भी कर लेंगे, और वैसे भी इतने बड़े जंगल में हमें कहीं ना कहीं तो भोजन मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर नारियल से अपने लिए नारियल का घर बनाने लगते हैं, और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उनका सुंदर सा नारियल का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कुकू हमारा घर तो बनकर तैयार हो गया, बस अब भोजन और ढूंढना है, तुम घर पर ही रहना, मैं इस जंगल का एक चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ कि कहीं मुझे भोजन मिल जाए, पानी तो हम इस नारियल के अंदर से पी लिया करेंगे, बस भोजन की बात और है। इससे पहले कि तेज बारिश शुरू हो जाए मैं जाती हूँ, तुम घर के अंदर ही रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है दीदी आप जाओ, मैं घर के अंदर ही रहूंगा। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। वो भोजन की खोज में काफी दूर तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है जिस पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। तब वो उस पेड़ के पास आती है और इतने सारे जामुन देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह यहाँ तो बहुत सारे जामुन हैं, चलो अब मैं जल्दी से यहाँ से कुछ जामुन खाकर अपना पेट भर लेती हूँ और कुछ अपने घर भी ले जाऊंगी, फिर हम दोनों भाई बहन रोजाना ये जामुन खाकर अपना पेट भर लिया करेंगे। ये कहकर रानू जामुन खाने लगती है और अपने भाई के लिए भी रखने लगती है, पर वो कहते हैं ना कि नई जगह पर नए इलाके में हमेशा कोई ना कोई खतरा रहता ही है। रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जिस जंगल में आई थी वो चील का इलाका था, और वो चील हमेशा ही उसी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर खाती थी। रानू चिड़िया टोकरी में जामुन भरी रही थी कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है और उससे कहती है, अरे चिड़िया कौन हो तुम और तुम इस इलाके में कैसे आई? हे भगवान ये तो दुष्ट चील है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये तो मुझे खाई जाएगी। ये कहकर रानू जल्दी से अपनी जामुन की टोकरी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, और वो चील तो रानू चिड़िया का पीछा करती है। रानू चिड़िया तो जल्दी से आकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, और वो चील तो उसके घर के बाहर आकर
जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओए चिड़िया, तू जल्दी से दरवाजा खोल, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। चुपचाप से दरवाजा खोल दे। दीदी अब हम क्या करेंगे, ये दुष्ट चील तो हमें खा जाएगी। दीदी आप कुछ करो। कुकू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तो हमें बस ऊपर वाले भगवान ही बचा सकते हैं, बस तुम प्रार्थना करो। वहीं दूसरी तरफ वो चील रानू चिड़िया का दरवाजा तोड़ने लगती है, लेकिन जब उससे वो दरवाजा नहीं टूटता तब वो थक हार कर वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक जब उन दोनों को बाहर से कोई आवाज नहीं आती, तब वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता। फिर इस तरह से वो दोनों अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखो कालू दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर काम हिम्मत से करने चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि नारियल का घर बनाने का आइडिया किसने दिया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।